जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। तो सत्ता में बैठे हुए सुन लो, वो लोग सपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बढ़ाते हैं, वो लोग कपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। सत्ता में बैठे हुए लोगों जरा सुनना सीखो। और जब आपने आंदोलनकारियों का मजाक उड़ाया, तुमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया, हमें फक्र है अपने उन क्रांतिकारियों पे, अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों पे, अपने उन आंदोलनकारियों पर कि वो अंग्रेजों के दलाल नहीं थे, अंग्रेजों से माफी मांगते नहीं थे, वो अंग्रेजों से दलाली नहीं करते थे, अंग्रेजों की गुलामी नहीं करते थे। Let's keep the decorum, please. विचारधारा के लोग अंग्रेजों की गुलामी करते हैं, अंग्रेजों की दलाली करते हैं। सत्ता के लोगों, Nothing is going on record apart from that. Please. हम लोग कोई बच्चे नहीं है, इन लोगों से ज्यादा राजनीति करके आए, लाठी खा के जेल जाके आए। सर मुझे समझ में नहीं आता, सर मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ अंग्रेजों को दलाल, पूरा इनको लग जाता। मान्यवर, मैं अपनी बात अदम गोंडवी जी की लाइनों से शुरू करना चाहूंगा। जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं मान्यवर, इस देश की संपत्तियां किसी की निजी संपत्ति नहीं है। इस देश की संपत्तियां हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की संपत्तियां है मान्यवर। ये रेल, ये सेल, ये बीपीसीएल, ये एलआईसी, ये बैंक, ये एयरपोर्ट, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों ने अपने श्रम से, अपने परिश्रम से इन कंपनियों को, इन संपत्तियों को बनाने का काम किया है। वो लोग सपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बढ़ाते हैं, वो लोग कपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। कपूत सरकार चल रही है सर इस देश के अंदर, देश को बेचने का काम कर रही है, देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। मान्यवर, इस सदन के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का मजाक उड़ाया, उन किसानों का जो पिछले 75 दिनों से आंदोलन पर हैं, 170 लोगों की शहादत हो चुकी है, उनको आंदोलन जीवी कह के मजाक उड़ाया गया। और जब आपने आंदोलनकारियों का मजाक उड़ाया तो सत्ता में बैठे हुए सुन लो, तुमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया, तुमने सरदार वल्लभ भाई पटेल का मजाक उड़ाया, तुमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मजाक उड़ाया, तुमने सरदार लेट्स कीप द डेकोरम प्लीज कीप साइलेंस, तुमने शहीद आजम भगत सिंह का मजाक उड़ाया, तुमने शहीद अशफाकुल्ला का मजाक उड़ाया, तुमने हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का, हिंदुस्तान के उन महान सपूतों का मजाक उड़ाया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाया जिन्होंने हमें यह संविधान दिया, हमें लोकतंत्र दिया, ये संसद दी, तुमने उनका मजाक उड़ाने का काम किया। और हमें फक्र है, सत्ता में बैठे हुए लोगों जरा सुनना सीखो, हमें फक्र है अपने उन क्रांतिकारियों पे, अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों पे, अपने उन आंदोलनकारियों पर कि वो अंग्रेजों के दलाल नहीं थे, अंग्रेजों से माफी मांगते नहीं थे, वो अंग्रेजों से दलाली नहीं करते थे, अंग्रेजों की गुलामी नहीं करते थे। Let's keep the decorum, please. विचारधारा के लोग अंग्रेजों की गुलामी करते हैं, अंग्रेजों की दलाली करते हैं, अंग्रेजों से माफी मांगते हैं, वो आज आंदोलनकारियों का मजाक उड़ा रहे हैं। 170 लोग मान्यवर अपने खेत के लिए मर गए, 170 लोग अपने खेत को बचाने के लिए मर गए, उनकी जान संजय जी की बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, नो अदर वर्ड इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। आप यहाँ उठा के उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको आंदोलन जी भी कह रहे हैं। अरे वो लोग, चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया गया है यहाँ पे। सत्ता के लोगों, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लीज सुनो। चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया गया, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी वहां पर बैठे हैं जिनको तुम खून के आंसू रुला रहे हो, खून के आंसू रुला रहे हो उनको तुम। वो भाषण जीवी नहीं है। There's a point of order.
वो चूला जी भी संजय जी देयर इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर संजय जी देयर इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर देयर इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर आई हैव टू अलाउ द पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर अलाउ करना है संजय जी वन मिनट सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर अंडर रूल 240 ओके अंडर रूल 240 एनी मेंबर हु विल स्पीक हु स्पीक्स इन अ डिस्कशन should not speak irrelevant things yahan pe bangal hinsa bol gaye sir yahan bangal hinsa let him complete unko khatam kar lijiye sanjay ji I'll allow you to speak unko khatam kar lijiye I'll allow you to speak sanjay ji hello is sadan ke andar sanjay ji wo khatam kar de yes please sir under rule 240 the rule says that an honorable member when he speaks he should not speak irrelevant things and things which are not related to the subject of discussion so it is this discussion is on the budget this is not related to some other discussion so the discussion should be on the budget kaise liya gaya boliye kisanon pe baat ab bole संजय जी कंटिन्यू सर जया जी प्लीज टेक योर सीट I'm allowing him to continue प्लीज संजय जी कंटिन्यू डिप्टी चेयरमैन संजय जी कंटिन्यू सर मुझे समझ में नहीं आता सर मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ मैं कहता हूँ अंग्रेजों को दलाल पूरा इनको लग जाता ये क्या है सर ये क्या है मैं कहता हूँ अंग्रेजों से माफी मांगने वाले बुरा इनको लग जाता है मैं कहता हूँ अंग्रेजों के गुलाम बुरा इनको लग जाता है क्यों बुरा लगता है सर? अरे सुनो ना सच को सुनो यहां पे कहा गया कि अरे ठीक है इनको बगैर पानी पिया मैं ठीक करूंगा चिंता मत करो यहां पे कहा गया माननीय भूपेंद्र यादव जी के द्वारा ऑनरेबल मेंबर कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह को याद कर लीजिए डॉक्टर लोहिया को याद कर लीजिए संजय जी प्लीज स्टार्ट कंक्लूडिंग हमें तो याद है प्लीज स्टार्ट डॉक्टर लोहिया भी चौधरी चरण सिंह भी आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं उन्होंने आंदोलन से इस देश को आजाद कराया हमें संविधान दिया हमें संसद दी हमें लोकतंत्र दिया हमें यहाँ बोलने की आजादी दी यहाँ पे प्रधानमंत्री जी अगर आए हैं तो उन्हीं लोगों के बलिदान की बदौलत आए हैं संजय जी प्लीज कंक्लूड संजय जी बदौलत आए हैं प्लीज कंक्लूड योर टाइम इज ओवर कंक्लूड कर रहा हूँ सर इतना तो याद कर लो इसीलिए BMS भारतीय मजदूर संघ जो आपका है आपने चौधरी चरण सिंह को कोट किया आप BMS को पढ़िए आप स्वदेशी जागरण मंच को पढ़िए अरे आपके संगठन खुद कहते हैं कि आप लोग देश को बेच रहे हो और क्या क्या बेच रहे हो संजय जी कंक्लूड करें रेल बेच रहे हो सेल बेच रहे हो खेल बेच रहे हो कोल बेच रहे हो LIC बेच रहे हो बैंक बेच रहे हो एयरपोर्ट बेच रहे हो पोर्ट बेच रहे हो FCI बेच रहे हो बिजली बेच रहे हो पानी बेच रहे हो सड़क बेच रहे हो BPCL बेच रहे हो पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो संजय जी टाइम इज ओवर कंक्लूड करें पूरा 30 seconds बेच दिया प्लीज कंक्लूड आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्पीकर ये बोलने नहीं देते आप कंक्लूड करें संजय जी वहां किसान को नहीं बोलने देते यहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं बोलते सदन का अपमान है सर हम लोग कोई बच्चे नहीं है इन लोगों से ज्यादा राजनीति करके आए लाठी खा के जेल जाके आए तो दिखाओ यहां प्लीज कंक्लूड आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्पीकर बोलूंगा और आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट धन्यवाद थैंक यू प्लीज मंत्री जी प्लीज श्री रामदास अठावले जी प्लीज आई एम नॉट अलाउिंग एनी वन नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड संजय जी बैठे माननीय मंत्री जी थैंक यू इस तरह के वायरल वीडियोस और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें अंधभक्त के साथ।